नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 TV में। पेश है आज की मुख्य खबरें। प्रमुख इन्फ्लेशन डेटा से पहले प्रॉफिट टेकिंग पर क्रिप्टोकरेंसी ने किया मिक्स ट्रेड। इथेरियम ने सफलतापूर्वक मर्ज शैडो फोक को किया पूरा। एल्गोरैंड फाउंडेशन ने होडल नॉट में $35 मिलियन के एक्सपोजर की दी सूचना। गूगल ने इथेरियम मर्ज काउंटडाउन क्लॉक को किया ऐड, ऑल टाइम हाई तक पहुंचा सर्च। डायरेक्टर क्वांटिन टेरेंटिनो ने NFT पर मीरा मैक्स के साथ मुकदमे को किया सेटल। blockchain.com प्रीलिमिनरी रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल करने के बाद दुबई में खोलेगा ऑफिस। सिंगापुर के DBS बैंक ने कम्युनिटी फोकस्ड मेटावर्स के लिए सैंडबॉक्स के साथ की साझेदारी। $5 मिलियन सीड राउंड में थाई बैंकिंग जॉइंट्स ने डीफाई स्टार्टअप फॉरवर्ड का किया समर्थन। की इकोनॉमिक डेटा से पहले प्रॉफिट टेकिंग पर क्रिप्टोकरेंसीज ने सोमवार को मिक्स ट्रेड किया। वेल्स की खरीदारी और डॉलर में कमजोरी के कारण, जो इस महीने के अंत में फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पर एक मजबूत प्रभाव डालेगा। वहीं बिटकॉइन को $21,600 के करीब ट्रेड करते देखा गया है। मेजर स्टॉक इंडिसेस में 3 हफ्ते की गिरावट के बाद सोमवार की सुबह US स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड में तेजी आई है। इन्वेस्टर्स और फेडरल रिजर्व मंगलवार को जारी होने वाली अगस्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। US रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट्स गुरुवार को जारी की जाएगी। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.1% से ज्यादा की बढ़त के साथ अराउंड $21,840 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ETH को 1% से ज्यादा नीचे जाते हुए $1,745 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्टकॉइंस में भी गिरावट दर्ज की गई। इथेरियम डेवलपर्स ने मर्ज से पहले 13वें और आखिरी शेडो फोक को सक्सेसफुली पूरा किया है, जिसमें क्लाइंट की इनकम्पैटिबिलिटी की कोई समस्या नहीं थी। एक शेडो फोक इथेरियम के मेननेट के मौजूदा वर्जन का अपग्रेड है, जो किसी भी तरह से यूजर्स को प्रभावित नहीं करता है। इथेरियम से मंगलवार की शुरुआत में प्रूफ ऑफ स्टेक बीकन चेन के साथ प्रूफ ऑफ वर्क मेननेट के मर्ज को पूरा करने की उम्मीद है, जिसे पहले इथेरियम 2.0 के रूप में जाना जाता था। मर्ज इवेंचुअली इथेरियम ब्लॉकचेन को तेज, ज्यादा स्केलेबल और 99% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना देगा। एल्गोरैंड फाउंडेशन ने होडल नॉट में $35 मिलियन USDC का एक्सपोजर होने की सूचना दी है। कंपनी के अनुसार ये अमाउंट एल्गोरैंड फाउंडेशन की एसेट्स के 3% से कम है और ये उम्मीद नहीं करती है कि इसके एक्सपोजर का ऑपरेशंस या लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। 9 सितंबर को फाउंडेशन के बयान के अनुसार, फाउंडेशन के मिशन के हिस्से के रूप में हम कभी कभी एल्गोरैंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट के पर्पस से यील्ड जेनरेट करने के लिए अपनी सरप्लस ट्रेजरी कैपिटल के एक हिस्से को इन्वेस्ट करते हैं। होडल नॉट से जितना संभव हो उतना पैसा वसूल करने के लिए एल्गोरैंड फाउंडेशन ने घोषणा की है कि वह सभी लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहा है। 9 सितंबर को गूगल क्लाउड डेवलपर सैम पेडिला ने घोषणा की कि गूगल सर्च इंजन अब इथेरियम मर्ज के लिए काउंटडाउन क्लॉक डिस्प्ले कर रहा है। इथेरियम मर्ज को सर्च करते समय करंट हैश रेट डिफिकल्टी और मर्ज डिफिकल्टी के साथ अब एक नेटिव काउंटडाउन क्लॉक डिस्प्ले हो रहा है। एडिशन दिखाता है कि क्रिप्टोकरेंसी ने FANG कंपनियों में कितनी गहराई से एंटर किया है और कितने लोग मर्ज देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में द मर्ज में दिलचस्पी बढ़ी है और गूगल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये ऐसा करेगा। गूगल में मर्ज इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट, जिसका लीड पेडिला ने किया, ने भी इंटरेस्ट में बढ़त में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। शुक्रवार की कोर्ट फाइलिंग्स के अनुसार, जाने माने निर्देशक डायरेक्टर क्वांटिन टेरेंटिनो ने प्रोडक्शन कंपनी मीरा मैक्स के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे नॉन फंडेबल टोकन लॉसूट को सेटल किया है। लॉसूट जो पिछले नवंबर में शुरू हुआ था, जब टेरेंटिनो ने कहा था कि वह 1994 की हिट फिल्म पल्प फिक्शन से फुटेज का इस्तेमाल करके NFTs जारी करेंगे, जिसे मीरा मैक्स ने दावा किया था कि उसके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, जिसे दोनों पक्षों द्वारा खारिज कर दिया गया है। डील की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था, जबकि जनवरी में टेरेंटिनो के कलेक्शन के पहले NFT ऑक्शन को $1 मिलियन से ज्यादा में बेचा गया था। blockchain.com ने दुबई में ट्रेड करने के लिए
प्रीलिमिनरी रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार लंदन बेस्ड एक्सचेंज ने दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहां एक ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए डिजिटल एसेट्स की देखरेख के लिए एमिरेट की न्यू एजेंसी है। हालांकि ये अभी भी अननोन है कि ऑफिस के लिए हायरिंग कब से शुरू होगी। blockchain.com ने हाल ही में दुबई में बिजनेस करने के लिए फुल या प्रीलिमिनरी रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल किया है, जो दूसरे जाने माने क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को रैंक में शामिल हो गया है। ज्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड को बढ़ावा देने के लिए सैंडबॉक्स और सिंगापुर के DBS बैंक ने एक कम्युनिटी फोकस्ड मेटावर्स बनाने के लिए हाथ मिलाया है। कस्टमर्स के साथ बातचीत करने के नए तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैंक के टेक्नोलॉजिस्ट इमर्सिव फीचर्स के साथ लैंड का 3x3 प्लॉट तैयार करेंगे। सैंडबॉक्स के COO और co-founder ने सिंगापुर वर्स में DBS का स्वागत किया है, जो एक ऑनलाइन नेबरहुड है जो सिंगापुर के लाइफ और कल्चर को सभी के लिए एक सस्टेनेबल तरीके से लाने की दिशा में तैयार है। थाईलैंड के कुछ सबसे बड़े बैंक्स की वेंचर कैपिटल आर्म्स ने $5 मिलियन के सीड फंडिंग राउंड में DeFi प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड का समर्थन किया है। कासिकॉन बैंक और बैंक ऑफ अयोध्या से जुड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स के साथ साथ रत्नाकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, GBV कैपिटल और वेरिस कैपिटल ने प्राइम स्ट्रीट कैपिटल के लीड वाले राउंड में भाग लिया। फॉरवर्ड ग्लोबल फंड्स और दो मेजर थाई बैंक से इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाला पहला DeFi प्रोजेक्ट होने का दावा करता है। आज के लिए खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा। ऐसी ही खबरों के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।